हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेज अफगानिस्तान। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप मैच नंबर 13 होने वाला है। अरुण जेटली स्टेडियम जो है दिल्ली के वेन्यू पे मैच होगा। 15 अक्टूबर को 2 बजे से मैच स्टार्ट होगा। दोनों में से कौन सी टीम अच्छी है, स्ट्रांग है? नो डाउट, सबसे पहले आपको ही पता है कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पर काफी अच्छी है, स्ट्रांग है। तो अपनी जो भी आप टीम बनाना, वो जो है इंग्लैंड को फेवरेट करके बनाना। वीडियो को बस देख लो। वीडियो को देखने का मतलब आपको यही रहेगा कि कौन कौन से अच्छे प्लेयर्स रहेंगे जो आपको अफगानिस्तान की टीम के लेने चाहिए और इंग्लैंड की टीम के जो है आपको अपनी टीम में लेने चाहिए। साथ ही साथ आपको पिच रिपोर्ट की भी जो है डीपली इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। अब देखो, ये जो मैच है ना दिल्ली में होने वाला है, और यहाँ की अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं, अफगानिस्तान की टीम जो है यहाँ पर एक मैच खेल चुकी है। अच्छी जो है हमें बैट देखने के लिए मिली थी। ड्यू रहेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। हाई स्कोरिंग जो है मैच हो सकता है अगर जो है इंग्लैंड की टीम पहले बैट करती है, 350 तो लेके जाएगी। फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। हालांकि अगर आप देखोगे तो सेकेंड इनिंग में राशिद खान ने 2 विकेट लिए थे जो कि स्पिनर ने लिए थे, लेकिन फास्ट बॉलर को यहाँ पर एडवांटेज रहता है। और यहाँ पर जो है आपको वेदर सनी मिलेगा, 264 रन एवरेज स्कोर है। लेकिन आपको हमने ऑलरेडी बताया कि इंग्लैंड की टीम जो है अच्छी है, स्ट्रांग है। अगर वो पहले बैट करती है आपको 350 रन भी जो है देखने के लिए मिल सकता है। गाइज, इस वेन्यू पे अगर आप देखोगे टोटल ओडीआई की बात करी जाए, 27 ओडीआई मैचेस हुए हैं, 235 रन एवरेज स्कोर है। 13 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 14 बार बैट सेकेंड करने वाली टीम ने विन किया है। इस वेन्यू पर लास्ट मैच अफगानिस्तान ने खेला था इंडिया के साथ में, और अफगानिस्तान ने टॉस विन करके जो है पहले बैट जो है प्रेफर किया था। लेकिन यहां पर आज मैं बता दूं कि ये मैच में जो है जो भी टीम टॉस वन करेगी वो फील्डिंग लेना जो है प्रेफर करेगी। 200 से नीचे का स्कोर 7 बार बना है, 200 से 250 के बीच में 8 बार स्कोर बना है, 250 से 299 के बीच में 9 बार, और 300 से ऊपर जो है यहाँ पर 3 बार स्कोर बना है। इस वेन्यू पे हाईएस्ट स्कोर देखोगे 428 रन है, और लोएस्ट स्कोर अगर आप देखोगे तो 99 रन है इस वेन्यू पे। और रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो जो है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का भी मैच हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने 428 रन जो है इसी वेन्यू पे यहां पर बनाए थे। लास्ट के दोनों मैच देख लो, अभी तक जो इस वर्ल्ड कप में दोनों मैच इस वेन्यू पे हुए हैं, फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिले हैं, 3 विकेट स्पिनर को इस जो है मैच में, और 12 विकेट जो है यहाँ पर फास्ट बॉलर को, 3 विकेट जो है यहाँ पर स्पिनर को मिले हैं। यहाँ पर 2 ही विकेट मिला है, ये चीज जो है यहाँ पर 3 विकेट हो गया है, 2 ही विकेट मिला है। फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट जो है फास्ट बॉलर को मिला, और स्पिनर को यहां पर जो है सेकंड इनिंग में जो है 2 विकेट मिले, 1 विकेट जो है स्पिनर को मिला। यहां टोटल जो है 3 विकेट है, 1 विकेट जो है मिला था जो है फर्स्ट इनिंग में। यहां पर फास्ट बॉलर को अगर आप देखोगे ना, फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट मिले, सेकंड इनिंग में 8 विकेट मिले, तो फास्ट बॉलर भाई यहाँ पर जो है अच्छा करते हैं। और साथ ही साथ बैटर्स भी यहाँ पर अच्छा करते हैं, जो अच्छे बैटर्स हैं उन्होंने यहाँ पर काफी सेंचुरी भी लगी है, आपने देखा होगा। अब हेड टू हेड की रिकॉर्ड की अगर बात की जाए, इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में सिर्फ जो है 2 ओडीआई मैचेस हुए हैं, दोनों के दोनों मैच जो है इंग्लैंड की टीम ने विन किया है। मैच आप देख सकते हो 150 रन से इंग्लैंड की टीम ने लास्ट जो हेड टू हेड का इनका मैच था उसमें जो है विन किया है। सबसे पहले आपको इंग्लैंड टीम की न्यूज और अपडेट्स आपको जो है दे देते हैं। इंग्लैंड टीम अपना जो है अभी तक 2 मैचेस खेली है, जिसमें 1 मैच उन्होंने विन किया है और 1 मैच जो है उन्होंने लॉस किया हुआ है। तो अभी तक जो है इनके पॉइंट्स टेबल में 2 जो है पॉइंट है। लास्ट मैच में अगर आप देखोगे, डेविड मलान ने 140 रन किया था, बैरिस्टो और जॉय रूट ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, हाफ सेंचुरी बनाई थी। बांग्लादेश के अगेंस्ट में अच्छा मैच खेले थे जो है इंग्लैंड की टीम, और इंग्लैंड की टीम ने जो है विन निकाला था, बहुत ही शानदार जो है परफॉर्मेंस करी थी, 137 रन से जो है मैच इन्होंने विन किया था। आर टोपले को 4 विकेट मिला था, 2 विकेट यहां पर अगर आप देखोगे तो क्रिस वोक्स को मिला था, सैम करन और जो है आदिल रशीद, मार्क बुक और जो है लिम स्टोन, इनको जो है 1-1 विकेट यहां पर मिला था। 227 रन पे पूरे जो है इन्होंने बांग्लादेश की टीम को हरा दिया था, सॉरी ऑल आउट कर दिया था। अगर मैं हेड टू हेड के रिकॉर्ड की बात करूं तो हेड टू हेड में जो मैच हुआ था ना, उसमें इयोन मॉर्गन खेल रहे थे, और उन्होंने भाई जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट में है ना, एक ही इनिंग्स में भाई 17 छक्के लगा दिए थे, जो कि रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि 2 ही मैच खेले हैं दोनों ही टीम ने, और दोनों ही टीम में से अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड का टिप्पल्ला जो है भारी रहा है हर बार। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11 देखते हैं। डेविड मलान के साथ में जॉनी बेरिस्टो आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। 1 डाउन पे जॉय रूट है, हैरी ब्रुक है, जोस बटलर है, लिविंग स्टोन है, सैम करन है, क्रिस वोक्स है, आदिल रशीद है, आर टोपले है, और उसके बाद जो है मार्क वुड है। यहां पर लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस आप देख लो, डेविड मलान ने लास्ट मैच में 140 किया, पहले वाले मैच में 14 रन किया था, बैरिस्टो ने भी जो है 52 किया, जो रूट ने भाई 82 किया, और उसके पहले जो है 77 किया था। तो यहां पर हमने जो है प्लेयर रोल भी लिखा हुआ है, प्लेइंग 11 भी आपको दिख जाएगी,
और यहां पर प्लेयर की जो है रिसेंट परफॉर्मेंस भी आपको जो है दिख जाएगी। अब बात करते हैं स्टैट्स की। डेविड मलान, इन्होंने जो है हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला है, वेन्यू पर भी कोई मैच नहीं है। जॉनी बेरिस्टो ने एक ही मैच हेड टू हेड में खेला है जिसमें 90 रन है। जो रूट ने भी एक ही मैच खेला है जिसमें 88 रन है। तो दोनों ने जो है टॉप नॉच जो है परफॉर्मेंस दी है। बाकी बटलर ने एक मैच खेला है जिसमें सिर्फ 2 रन किए हैं। वेन्यू पर आपको मोस्टली प्लेयर्स के जो है रिकॉर्ड देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें से जितने भी प्लेयर्स जो है आपको आईपीएल में खेलते हुए दिखाई दिए हैं ना, वो इस वेन्यू पे काफी जबरदस्त जो है रिकॉर्ड रखते हैं। बॉलिंग में आप देखोगे तो आदिल रशीद ने जो है अफगानिस्तान के अगेंस्ट में एक मैच खेला था जिसमें 3 विकेट लिए थे, और मार्क बुन ने एक मैच खेला था जिसमें 2 विकेट लिए थे। गाइस अब बात करते हैं अफगानिस्तान टीम की न्यूज और अपडेट्स की। तो देखो अफगानिस्तान टीम जो है ना अभी तक इस वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेली है और दोनों के दोनों मैच जो है हारी है। एक तो इंडिया के हाथों हारी थी, दूसरा मैच जो है बांग्लादेश के हाथों हारी थी। इनकी अगर आप देखोगे लास्ट मैच में तो शहीदी ने, हसमतुल्ला शहीदी और अजमतुल्ला ओरजाई ने दोनों ने हाफ सेंचुरी किया था। एक ने 62 रन किए थे, एक ने 80 रन किया था। तो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इंडिया के अगेंस्ट में, 272 जो है स्कोर किया था। तो नो डाउट अच्छा स्कोर किया था इस वेन्यू पे। राशिद खान को 2 विकेट मिला था। बाकी अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद नबी, नजबुल्ला जादरान, ये जो है थोड़ा सा जो है बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। दोनों मैच खेले हैं इन्होंने और दोनों मैच लॉस किए हैं। अब प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए, आर गुरबाज के साथ में आपको इब्राहिम जादरान ओपन करते हुए मिलेंगे। वन डाउन पर रहमत शाह है, उसके बाद हसमतुल्ला शहीदी है, अजमतुल्ला उर्जाई है, मोहम्मद नबी है, उसके बाद नजबुल्ला जादरान है, राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, नवीनुल हक है और फजल हक फारूकी है। लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, आर गुरबाज ने जो है 21 रन किया, उसके पहले 47 रन किया था और दोनों बार 22-22 रन कर चुके हैं इब्राहिम जादरान। रहमत शाह की अगर बात की जाए 18 रन, 16 रन, हसमतुल्ला शहीदी लास्ट मैच में 80 रन, अजमतुल्ला उर्जाई ने भाई 62 रन किए थे और बॉलिंग ये करा लेते हैं तो एक एडवांटेज इनके साथ में जाता है। नबी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, आप देख सकते हो। राशिद खान 2 विकेट इस मैच में लेकर गए लेकिन पहले मैच में विकेट लेस थे, जबकि मुजीबुर रहमान भी विकेट लेस रहे हैं और इस वेन्यू पर तो भाई स्पिनर को वैसे भी विकेट नहीं मिलती है। नवीनुल हक भी जो है लास्ट मैच में विकेट लेस रहे थे और फजल हक फारूकी भी जो है विकेट लेस रहे थे। अब अगर मैं बात करूं यहां पर प्लेयर के स्टैट्स की, तो आप देख लो मोस्टली प्लेयर के आपको जो है स्टैट्स यहां पर देखने के लिए मिलेंगे जो कि लास्ट मैच का है वेन्यू रिकॉर्ड। और साथ ही साथ आप देखोगे तो रहमत शाह ने एक ही मैच खेला है हेड टू हेड में जिसमें 46 रन किया है, हसमतुल्ला शहीदी ने 16 रन किया है, मोहम्मद नबी ने 2 मैचेस खेले हैं 25 रन है लेकिन कोई विकेट यहां पर नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पर नजबुल्ला जादरान की, तो 2 मैचेस में जो है 27 रन किए हैं और मुजीबुर रहमान ने 1 मैच खेला है जिसमें कोई विकेट नहीं है, राशिद खान ने एक ही मैच खेला है जिसमें इनका भी कोई विकेट यहां पर नहीं है। अपनी टीम देख लो, टीम बनाना तो भाई कुछ ऐसी टीम बनाना और इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को फॉलो करना, जॉनी बेरिस्टो को लेके जाना, साथ ही साथ डेविड मलान, जॉय रूट, ये टॉप ऑर्डर के जो है परफॉर्मर है। डेविड मलान, जॉय रूट दोनों को मैंने सीबीसी किया है, बैरिस्टो को भी आप सीबीसी कर सकते हो। यहां पर मैंने जो है आर गुरबाज को भी लिया है, इब्राहिम जादरान है हमारी टीम में, हसमतुल्ला शहीदी है, सैम करन है हमारी टीम में, अजमतुल्ला उर्जाई है, इनकी जगह पे आप मोहम्मद नबी को भी ले सकते हो, मार्क वुड है, नवीनुल हक है और आर टोपले है। आप नवीनुल हक की जगह पे राशिद खान को जो है प्रेफर कर सकते हो। तो भाई ये डेमो टीम है, डेमो टीम के साथ में आप 3-4 मेंबर की लीग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो स्मॉल लीग में सीबीसी के आपको बेस्ट ऑप्शन कौन कौन से मिलते हैं, डेविड मलान, जॉनी बेरिस्टो, जॉय रूट, ये सबसे 3 जो है टॉप ऑफ ऑफर रहेंगे, सबसे बढ़िया इन्हीं को लोग लेके आने वाले हैं। कुछ अलग करना चाहते हो तो राशिद खान के भी साथ में जा सकते हो। ग्रैंड लीग में जा रहे हो, अगर जो है इंग्लैंड की पहले बॉलिंग आती है सैम करन, आप अगर इंग्लैंड की पहले अगर जो है बैटिंग आती है तो फिर जो है जोस बटलर और उसके बाद नवीनुल हक को भी ट्राई कर सकते हो इंग्लैंड की अगर पहले बैट आती है तो, और यहाँ पर इंग्लैंड की अगर पहले बॉल आती है तो आर टोपले को भी आप ग्रैंड की टीम्स में ट्राई कर सकते हो। तो टोटल ये 4 मैंने जो है आपको ग्रैंड की ऑप्शंस दिए हैं, 4 मैंने आपको स्मॉल लीग की ऑप्शंस दिए हैं। ग्रैंड लीग में अगर कुछ अलग करना है आपको, लिविंग स्टोन को यार प्रेफर करना, बंदा बैट बॉल दोनों करता है, अच्छी ऑप्शन है। मार्क वुड अब मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं, उसके बाद जो है मोहम्मद नबी बैट बॉल दोनों करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। नवीनुल हक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं इंडिया में और फजल हक फारूकी भी जो है अच्छे टैलेंटेड जो है बॉलर है, तो आप इनको जो है ग्रैंड की टीम्स में 1-1 करके ट्राई कर सकते हो। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी ना वो रहेगा मेरे भाई टेलीग्राम का चैनल। देखो यार टेलीग्राम का चैनल इंपॉर्टेंट रहेगा, हमने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल रखी है टेलीग्राम चैनल की, आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। यहां पर आपको फ्री टीम्स, फ्री गिवे, मैच अपडेट्स और भी बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिलती हैं। यहां पर आपको मैं ट्राई करूंगा कि 2 टीम शेयर करूं, एक स्मॉल लीग की, एक मिनी जीएल की। रॉयल इंडियन टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसी लिंक से आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
दोस्त अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना, और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन आएगा उसे जरूर से प्रेस कर देना। बेल आइकन का फायदा आपको यह होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, थोड़ा सा सपोर्ट भी अपना दिखाते रहिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।